हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत तिवारी आप सबका जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे इंडिया गेट न्यू दिल्ली से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं। क्वेश्चन इज, आप सोच रहे होंगे सर ऐसी क्या बात हो गई। आज मैं जिसके साथ बातचीत करने जा रहा हूं, आप लोगों की क्वेरी ही मुझे मजबूर की कि जल्दी से जल्दी मैं उनको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं। जी हां, जिसकी बात हो रही है, बड़ी शानदार यात्रा रही है और यात्रा और शानदार आगे होने वाली है। अगर मैं बात करूं तो बिहार के बक्सर से लेकर जेएनयू से लेकर जामिया तक, और अगर मैं एग्जामिनेशन की बात करूं तो बीपीएससी क्वालिफाइड दो बार, यूपीपीसीएस के रैंकर, उत्तराखंड क्वालिफाइड, और इस बार यूपीएससी मेंस दे रहे हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग गुड रैंक्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हेमंत की। हेमंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब इससे बड़ा क्या होगा कि आज आपके डिमांड पे मैं हेमंत को प्लेटफॉर्म पे बुलाया हूँ। हेमंत की परिचय करूँ, बड़े होनहार मेरे पुराने विद्यार्थी रहे हैं और इनसे मेरी उम्मीदें बहुत हाई है। मैं शुरू से इनसे बोलता रहा हूँ, याद है आपको? जी सर। ठीक, तो हेमंत, आज हम जब से बीपीएससी की नोटिफिकेशन आई है और कुछ बच्चे जो यूपीपीसी एग्ज़ाम दे रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक दो बार एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो हम लोग ये मान के चलेंगे कि बिल्कुल फ्रेशर विद्यार्थी हैं। तो पहले हम बीपीएससी की बात करने वाले हैं जिसकी अभी बम्पर नोटिफिकेशन आई हुई है और काफ़ी विद्यार्थियों में उत्साह है। तो एक बार आप हमें, जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको एक बार बहुत संक्षेप में बीपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में बता दीजिए और फिर उनके एक ही सवाल में आपसे लेते जाऊंगा। जी सर, बीपीएससी का एग्ज़ाम जो बिहार में सिविल सर्वेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है, अभी उसकी नोटिफिकेशन आई है जस्ट, और इस बार बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं उसमें। तो बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के तीन स्टेजेस होते हैं एज यूजुअल, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स एक ही पेपर होता है जिसमें जीएस और सीसेट दोनों होते हैं, और मेंस एग्ज़ाम में पांच पेपर होते हैं जिसमें तीन कंपलसरी पेपर्स होते हैं जिनकी रैंक्स जुड़ती हैं, और दो पेपर ऐसे होते हैं जो इन्हें क्वालिफाई करना होता है, और उसके बाद आता है इंटरव्यू का स्टेज जिसके बाद फाइनल रिजल्ट्स आते हैं। बहुत ही अच्छा बताया आपने। तो अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो ज़रा विद्यार्थियों को बताइए आप कि प्रीलिम्स के लिए क्या क्या सोर्सेज आपने रेफ़र किया था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको पहले बता दूं कि हेमंत इस समय मिर्ज़ापुर में एसडीएम है और यूपीपीसीएस में इनकी 9वीं रैंक रही है। अगर मैं हेमंत की जर्नी के संक्षेप में बात करूँ, बताने को बहुत कुछ है लेकिन मैं आपकी उत्सुकता समझ पा रहा हूँ, तो बिहार में इलेक्शन ऑफिसर थे और यूपी में लास्ट ईयर यूपीपीसीएस क्वालिफाई करके डिप्टी एसपी थे, और इस बार जो रिजल्ट आया है यूपीपीसीएस में 9th रैंक और डिप्टी एसडीएम की ट्रेनिंग कर रहे हैं और मिर्ज़ापुर में पोस्टेड हैं। तो ये तो संक्षेप में रहा, क्योंकि इन्होंने बिहार पीसीएस भी क्रैक किया है, तो जो बिहार पीसीएस के हमारे विद्यार्थी हैं हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, बिहार पीसीएस के सवालों को, जो नोटिफिकेशन आए उसके संदर्भ में सवालों की चर्चा करेंगे, और जो हमारे विद्यार्थी यूपीपीसीएस एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनके लिए हम यूपीपीसीएस की इनकी स्ट्रेटजी क्या रही। और हाँ, इस सेशन का कोई टारगेट कहीं से मार्केटिंग नहीं है, बिल्कुल ये सच्ची सच्ची बात जो इन्होंने अमल किया है और जो सफलताएं हासिल की हैं वो बिल्कुल वही आपके साथ करने वाले हैं। तो हेमंत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, तो जो हमारे कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल ग्रेजुएशन किए हुए हैं अभी, और बहुत से ऐसे जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं, तो जो ग्रेजुएशन करके इस बार नोटिफिकेशन में फॉर्म फिल करने वाले हैं और बिल्कुल रॉ हैं, उन्हें एग्ज़ाम का आइडिया नहीं है,
तो उन विद्यार्थियों को कृपया बताइए आप कि एग्ज़ाम के स्टेजेस क्या क्या हैं, और फिर हम एक एक करके एक एक स्टेज की चर्चा करेंगे। जी सर। हाँ, तो बिहार के बीपीएससी एग्ज़ाम में पहला स्टेज होता है प्रीलिम्स का, जिसमें एक ही पेपर होता है और उसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। उसमें जनरल स्टडीज़ और एप्टीट्यूड दोनों के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेज होता है मेंस का, जिसमें टोटल 5 पेपर्स होते हैं, जिनमें 3 पेपर्स ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स ऐड होते हैं फाइनल मेरिट के लिए, और 2 पेपर्स बस क्वालिफाइंग होते हैं। और थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू का, जिसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपके एक क्वेश्चन आया हुआ है कि बीपीएससी प्रीलिम्स के संबंध में कि क्या क्या सोर्सेस हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं और क्या क्या बुक्स हैं, आपने क्या क्या रेफर किया था, तो एक बार फ्रेशर्स के हिसाब से कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिसका वेटेज ज़्यादा है, तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। बताइए सर, फ्रेशर्स के लिए मोस्टली सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उन्हें बहुत क्लियर आइडिया नहीं होता है कि व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू, तो उसमें वो बहुत सारी बुक्स को रेफ़र करते हैं, बहुत सारे मटेरियल्स को रेफ़र करते हैं, बट उतना नेसेसरी नहीं होता है। मेरा एडवाइस यही रहेगा कि अपने बुक लिस्ट को बहुत नैरो डाउन कर लीजिए। जो बुक्स मैंने रेफ़र की थी उसमें जनरल नॉलेज के लिए मैंने लूसेंट की जनरल नॉलेज यूज़ की थी, बिहार की जनरल नॉलेज के लिए मैंने बिहार का जो लूसेंट का जनरल नॉलेज की बुक आती है वो यूज़ की थी, उसके साथ करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया मैगजीन यूज़ की थी, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे लास्ट 20 इयर्स के। ये प्रीवियस क्वेश्चन से बिहार के और राज्यों के भी किए थे आपने? सर मोस्टली तो बिहार के, मतलब मेरा सजेशन ये रहे कि बिहार के तो 20 इयर्स के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लीजिए, और अगर आपको लगता है कि इफ़ यू आर वीक इन एनी सब्जेक्ट देन उसका घटना चक्र का पूर्वावलोकन ले लीजिए। फॉर एग्जांपल कुछ स्टूडेंट्स पॉलिटी में वीक होते हैं, कुछ इकोनॉमिक्स में वीक होते हैं, तो उसका घटना चक्र का पूर्वावलोकन वाली बुक ले लीजिए और उससे प्रैक्टिस कर लीजिए इन द सेक्शंस इन द टॉपिक्स दैट यू फील यू आर वीक इन। ओके, तो ये जो विद्यार्थी हिंदी मीडियम के हैं, इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए हैं? ये दोनों मीडियम के लिए। तो मेरे प्यारे लर्नर्स, हम उन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं जो दोनों माध्यम में अवेलेबल है। तो प्रीलिम्स में हमने कोर बेसिक्स की बातें कर ली। अगर हम प्रीलिम्स के पेपर के लास्ट 10 इयर्स को एनालाइज करें, जो लास्ट या 5 को लेकर चलते हैं, जो पिछले 5 एग्ज़ाम हुए हैं, तो कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है? सर उसमें वेटेज का सीन ऐसा है कि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनसे स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होके आते हैं, और अगर हम लास्ट 10-15 ईयर्स के क्वेश्चन एनालाइज करते हैं तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल पॉलिटी में आर्टिकल्स बहुत रिपीट होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्टिकल्स रिलेटेड टू मनी बिल, रिलेटेड टू सीएजी, एडवोकेट जनरल एट्सेट्रा, तो जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं तो हमें वो आइडेंटिफाई हो जाता है। ओके, और अगर जनरल साइंस का क्या वेटेज है? सर जनरल साइंस स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्टेट पीसीएस में फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत होते हैं जिसमें डायरेक्ट साइंस से क्वेश्चंस आते हैं, और इसके लिए मैंने लूसेंट जनरल नॉलेज का जो साइंस सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी वाला, उसको मैंने 2-3 बार रिवाइज किया था, उसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट्स लगे थे मैंने हाईलाइट किए थे, और आई थिंक वो उतना सफिशिएंट था। ये मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा कि हेमंत का बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का और पोस्ट ग्रेजुएशन का ज्योग्राफी का है। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि बहुत से हमारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से आते हैं और जनरल साइंस का उनके दिमाग पे खौफ सा है कि ये फिजिक्स कैसे होगी, केमिस्ट्री कैसे होगी। तो यहाँ पे हम आपको बहुत ब्रीफ एनसीईआरटी रेफ़र करें तो वो आप कर नहीं पाओगे। तो इनका क्रक्स जो इन्होंने बहुत ही बेहतर बताया आपके लिए कि समय कम है तो कम समय में ज़्यादा यील्ड आउटपुट आप कैसे दे पाएंगे, बहुत ही हेमंत अच्छा बताया आपने। जी सर। एक जो आपका कोर एरिया है, तो अगर हम ज्योग्राफी की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, जी सर, तो प्रीलिम्स में इस सेगमेंट का कितना वेटेज है और बिहार की ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चंस आते हैं, और आपने जो कोर ज्योग्राफी फिजिकल इंडिया की बात करें, क्या सोर्सेज रेफ़र की और बिहार की ज्योग्राफी के लिए क्या रेफ़र की, मैं विद्यार्थियों को चाहूँगा कि आप इन्हें बताएँ। जी सर। सर स्टेट बिहार पीसीएस में स्पेशली सर एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के सेक्शन में ज्योग्राफी के मोस्टली क्वेश्चंस स्टैटिक पार्ट से आते हैं, और एनवायरनमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं
वो करंट अफेयर्स से ज़्यादातर होते हैं। करंट अफेयर्स में बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स का मैंने हेल्प लिया था जो करंट न्यूज़ कवर करने के लिए, उसमें सर आपके चैनल की जो सीरीज़ थी साइंस और करंट अफेयर्स और इन्वायरमेंट वाली, मैंने उसको भी फॉलो किया था। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट सर मैंने एडुटेरिया की मैगजीन यूज़ की थी इन्वायरमेंट सेक्शन के करंट अफेयर्स कवर करने के लिए, और ज्योग्राफी जो है वो मैंने पहले एनसीईआरटी से पढ़ रखी थी, उतना सफिशिएंट होता है, इवन लूसेंट की बुक भी सफिशिएंट है। और मैंने बिहार जीएस की जो लूसेंट की बुक पढ़ी थी उससे बिहार का जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो कवर हो जाता है सर। अगर हम बीपीएससी मेंस के एग्ज़ाम की बात करें तो हमारे जो फ्रेशर्स हैं, लर्नर्स हैं, एक बार एग्ज़ाम के पेपर के बारे में और कौन कौन से पेपर क्वालिफाइंग हैं और किसके किसके मार्क्स ऐड होंगे, और जो फ्रेशर्स हैं वो ज़्यादा फोकस किन टॉपिक्स पे करें, उसके बारे में बताएं। सर बीपीएससी मेंस टोटल 5 पेपर्स का होता है और इसमें जो मार्क्स ऐड होते हैं वो 900 मार्क्स ऐड होते हैं जो GS1, GS2 और SA के होते हैं। और इसके अलावा 2 पेपर्स क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं जिसमें एक ऑप्शनल का पेपर होता है और एक जनरल हिंदी का पेपर होता है। तो जो ऐड होने वाले पेपर हैं जिसमें मार्क्स ऐड अप होते हैं GS1, GS2 और SA, तो पहले हम SA की बात करें सर, तो SA में 3 SA लिखने होते हैं, 3 सेक्शंस होते हैं जिसमें हर एक सेक्शन में 4 ऑप्शंस होते हैं। आपको हर एक सेक्शन से एक SA चूज करके लिखना होता है और एक SA 100 मार्क्स का होता है। SA का पेपर टोटल 300 मार्क्स का होता है। इसके अलावा GS1 और GS2 के 2 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं जिसमें GS1 मोस्टली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स और उसमें 72 नंबर्स का मैथ्स का क्वेश्चन होता है जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है। और अभी कुछ इयर्स में पिछले 2 बार से 68 और 69 बीपीएससी से इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और डिफिकल्टी भी बढ़ी है। तो जीएस पेपर में परफॉर्म करना, अच्छा परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। GS2 का जो पेपर होता है उसमें पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमी, इन सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और इसमें भी डिफिकल्टी जो है पिछले 2 बार से बहुत बढ़ी है। तो इन दोनों पेपर्स में अच्छा परफॉर्म करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके साथ साथ ऐसे अच्छा लिखना भी इम्पोर्टेंट है। ये 3 पेपर्स के बाद ऐसे का ऑप्शनल का पेपर होता है जो एमसीक्यू नेचर का होता है, 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करेक्ट करने होते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसका जो डिफिकल्टी लेवल होता है रिलेटिवली ईजी होता है, मीडियम होता है और इसके साथ जनरल हिंदी का पेपर भी मीडियम डिफिकल्टी लेवल का होता है। बहुत अच्छा बताया आपने। अगर हम बीपीएससी मेंस की बात करें तो बीपीएससी मेंस के लिए एक बार आप हमारे लर्नर्स को बता दीजिए क्या क्या सोर्सेस आपने रेफर किया था और क्या आपकी स्ट्रेटजी थी टॉपिक वाइज। सर बीपीएससी मेंस का जो स्ट्रेटजी है उसको हम मेनली 3 हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ये जो मैथमेटिक्स आता है जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट होता है GS1 में, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है किसी का, मैथ्स वीक है, बिकॉज उसके लिए टाइम लिमिटेड होता है, आपको 30-40 मिनट्स में वो सेक्शन पूरा कंप्लीट करना पड़ता है, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं देन वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते हैं देन आपको बुक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। मेरा तो फॉर्चुनेटली हो गया था, आई डिड नॉट नीड टू यूज एनी बुक, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। उसके बाद GS1 में जो, और GS1 और GS2 में बिहार बीपीएससी में मेंस में बीपीएससी मेंस के लिए जो स्ट्रेटजी है उसको हम बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन और मैथमेटिक्स वाला पोर्शन प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है। उसके साथ बिहार स्पेसिफिक के लिए जो आपने बिहार GS की कोई भी बुक पढ़ी होती है वो आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो देन दैट इज यूजफुल फॉर मेंस एज वेल। बच्चों का एक क्वेश्चन हेमंत आया हुआ है कि आंसर राइटिंग के लिए वो क्या करें, आपने क्या करके आंसर राइटिंग के लिए सफलता पाई थी, बिकॉज आजकल अगर देखा जाए तो आंसर राइटिंग एक बड़ा मुद्दा है, तो उस पर कुछ आप अपनी राय व्यक्त कीजिए। आंसर राइटिंग के लिए तो मैं ये कहूँगा कि कुछ पिछले लास्ट 2 अटेम्प्ट से बीपीएससी में मेन से क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, तो उसके लिए अच्छे आंसर सीखना बहुत ज़रूरी है और टाइम के साथ भी आपको कम्पीट करना पड़ता है, बिकॉज गिवन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चंस, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, यू हैव टू विन द रेस अगेंस्ट टाइम। उसके लिए क्वेश्चंस को समझना, उसके अराउंड लिखना, पॉइंट्स में लिखना, क्वेश्चन को समझ के लिखना और अपने ओरिजिनल पॉइंट्स लिखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोशिश ये करें कि हर आंसर कंसिस्टेंटली लिखें और पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आए।
बहुत ही बेहतरीन आपने बताया, एक टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चंस अटेम्प्ट पूरा करना और कंटेंट डालना, इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो स्टेट सर्विसेज तो नहीं अभी फिलहाल, लेकिन जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जीनो आईएएस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, मेंटरिंग प्रोग्राम, मॉड्यूल कोर्सेज लेकर आइए। लेकिन फिलहाल अभी हमने बीपीएससी के लिए कोर्सेज लॉन्च नहीं किए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि बिल्कुल एक सफल व्यक्ति ने कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो की और सफलता हासिल की, मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपको ये मालूम चले। तो बहुत ही बेहतरीन आपने बताया हेमंत कि टाइम मैनेजमेंट, कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन पेपर, ऐसा नहीं कि एक सवाल पे ज़्यादा समय दिया आपने और कुछ क्वेश्चन आप छोड़ के आ गए। तो कंप्लीशन, कंटेंट, इन बातों पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसा आपको हेमंत ने बताया वैसा आपको करना है। तो एक बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि आपसे इंटरव्यू में सवाल कैसे पूछे गए और इंटरव्यू के लिए क्या सलाह देंगे आपकी, वो इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करें? सर, इंटरव्यू के लिए तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने ओरिजिनल पर्सनैलिटी को साथ जाइए, वहाँ कोई आप फेक मत करिए किसी पर्सनैलिटी को। जो क्वेश्चंस आपको आते हैं आप उनके आंसर्स दीजिए, पेशेंस रख के दीजिए, और जो आंसर्स नहीं आते उन्हें ऑनेस्टली कन्फेस करिए कि ये आंसर्स आपको नहीं आते हैं, और बोर्ड के साथ, बोर्ड बहुत कोऑपरेटिव होता है, देन दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अपनी ओरिजिनलिटी बनाए रखें, फेक पर्सनैलिटी ना करें, और ऐसा नहीं कि डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म में बहुत कुछ भर दें। मैं इशारा हॉबीज़ की तरफ कर रहा हूँ, कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि बहुत एक्साइटमेंट में क्रिकेट भी डाल दिया, गार्डनिंग भी डाल दिया, फोटोग्राफी भी डाल दिया, और फिर जब उनसे क्वेश्चन बोर्ड मेंबर पूछ रहे हैं तो वो आंसर नहीं कर पा रहे। तो बहुत ही बेहतरीन बताया आपने कि आप अपनी ओरिजिनल पर्सनैलिटी को ही दर्शाएं। अगर मैं पूरी संक्षेप में कहूं तो पूरी मूल मंत्र चंद लाइनों में आप हमारे बीपीएससी के कैंडिडेट्स को सुझाव दे दीजिए आप। सर, मैं जो सजेशन देना चाहूँगा वो ये है कि आप अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, रिविजन्स पूरे करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि उससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए आप मेहनत कर पाएंगे। मेंस में, आंसर में ओरिजिनलिटी रखिए, कंसिस्टेंसी रखिए, और कोशिश करिए कि पूरा पेपर कंप्लीट करके आएँ। वीक सेक्शंस पे ध्यान दीजिए, बिकॉज आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेंस में आप आंसर छोड़ के आ रहे हैं या वीक सेक्शंस हैं तो आप उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। और इंटरव्यू में आप कॉर्डियली जाइए, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को दिखाइए और धैर्यपूर्वक आंसर दीजिए, एंड दैट इज़ एनफ फॉर गेटिंग थ्रू द एग्जाम।